प्रिय मित्रों, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस संसद का यहाँ आयोजन किया। हमारे विचारों का आदान प्रदान आपस में जब होगा तो निश्चित तौर से हम एक अच्छे समाज के लिए आधारशिला रख सकेंगे। और मैं आपको इस बात के लिए भी बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जो विषय चुना, धर्म और धर्म के अंदर का प्रॉब्लम है कि बाहर का प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सही है आज के समाज के लिए। क्योंकि आज दुनिया में दो प्रकार की चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, मैं उसको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा। आपको याद होगा 11 सितंबर 2001 दो एरोप्लेन आए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकराए और उसके साथ वो बिल्डिंग गिरने के कारण करीब 3000 लोग मारे गए। अब मैं, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, मैं कुछ प्रोफेसर रह चुका हूँ, तो अपनी पोजीशन का थोड़ा नाजायज फायदा उठाना चाहता हूँ। आपको कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हेलो, यस, नो, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए, ये जो 3000 लोग मारे गए, ये गुनाहगार थे या बेगुनाह थे? बेगुनाह थे। ये कौन से देश के थे? सभी देशों के थे। कौन से धर्म के थे? सभी धर्मों के। सभी धर्मों के, सभी देशों के 3000 बेगुनाह लोग मारे गए। उसके बाद वो खतरनाक आतंकवादी आया और उसने टीवी पे कहा, बहुत अच्छा हुआ। आपको नाम पता होगा उस व्यक्ति का जिसका मैं कह रहा हूं, ओसामा बिन लादेन। अब उसने कहा, यह बहुत अच्छा हुआ और ऐसा होना चाहिए। तो उसने 3000 बेगुनाह लोगों के मारे जाने का समर्थन किया। राइट, राइट, रॉन्ग? अभी मौलाना साहब बता रहे थे और हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छी कुरान की आयत बताई, और ये आयत मैं आपको, और पॉपुलर तरीके से आपने देखी होगी, आपने वो शाहरुख खान की फिल्म देखी है माई नेम इज, और उसमें एक पॉपुलर डायलॉग है शाहरुख खान का, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। ये डायलॉग आपको याद है। एक और डायलॉग शाहरुख खान का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इतने बड़े मौलाना साहब के सामने मैं इस्लाम की बात क्या करूं, इसलिए मैं पॉपुलर फिल्मों के माध्यम से वही बात आप तक ले जाना चाहता हूँ। खैर, शाहरुख खान का वो डायलॉग है, उसमें शाहरुख खान कुरान को कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं, कहते हैं कुरान की सूरा 5 आयत 32 हमको ये बताती है, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो, कितने, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो तो ये पूरी इंसानियत को मारने के समान है। ये इस्लाम कहता है, ये कुरान कहता है। पर आज दुनिया में एक माहौल चल रहा है पूरा वेस्ट एशिया में, अरे ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उससे मुझे एक ये कारण है कि जिसके कारण हमें लग रहा है कि धर्म एक समस्या है, ऐसा हमको लगता है एट पॉपुलर लेवल। दूसरा एक और उदाहरण बताना चाहता हूं, करीब 3 साल पहले का है। 3 साल पहले मैंने कुछ अखबारों को, जब अपन रोज पढ़ते रहते हैं, पहले एक मैंने खबर पढ़ी कि पाकिस्तान में लाहौर में ईसाई लोगों की एक बस्ती को जलाया गया, बहुत सारे ईसाई लोग बेघर बार हो गए। करीब 3 साल पहले की घटना है। उसी के 2-3 महीने बाद मैंने पढ़ा उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के साथ यही हुआ, कई मुसलमानों को मारा गया, बेघर बार किया गया। उसके आगे मैंने पढ़ा 1-2 महीने बाद बांग्लादेश में सांप्रदायिक दंगों में कई हिंदू मारे गए, कई बुद्ध लोग मारे गए। ठीक है, तो ये फिर से लगा कि भाई ये तो चक्कर हिंदू का है, मुसलमान का है, हिंदू का है, बुद्ध का है। मित्रों, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो आज दुनिया में राजनीति चल रही है, मैंने शब्द सही इस्तेमाल किया है, मैंने कहा क्या चल रही है, धर्म या राजनीति? ये राजनीति चल रही है और ये धर्म का आवरण, धर्म का लेबल लगा के चल रही है। मेरी पहली मान्यता ये है कि आज दुनिया में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है, उसका ना हिंदू धर्म से कुछ लेना है, ना इस्लाम के मूल्यों से कुछ लेना है, ना ईसाई धर्म के मूल्यों से लेना है। ये यहाँ के पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसी के लिए फिर से विद्यार्थी और प्रोफेसर फिर से हम आ जाते हैं, मैं आपके सामने भारत दुनिया के 3 बड़े धर्मों का एक एक वाक्य कहना चाहूंगा, और खास तौर से भारत के 3 बड़े धर्मों का एक एक वाक्य आपके सामने रखकर ये समझना चाहूंगा कि ये धर्म हमें क्या बताते हैं। तो पहले तो आप ही बताइए, भारत के 3 बड़े धर्म कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम धर्म नहीं है, इस्लाम, हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म, ये 3 बड़े धर्म है। अब मैं तीनों का एक एक नैतिक मूल्य बता रहा हूं।
आप पहचानिए कि मैं कौन से धर्म से कह रहा हूं। मेरा पहला नैतिक मूल्य है वसुधैव कुटुंबकम। कौन से धर्म से? क्या मतलब है इसका? ये पूरी मानवता मेरा परिवार है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये पूरी मानवता मेरा परिवार है, मैं एक अच्छा हिंदू हूं, तो मैं किसी मुसलमान, किसी ईसाई या किसी और व्यक्ति से नफरत करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे परिवार का भाग हैं। अब दूसरा पहचानिए, लव दाय नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार करो। कौन से धर्म से? ईसाई धर्म से है। चलिए, ये सब जब इसका जवाब मैं लेता हूं तो पता चल जाता है मेरा ऑडियंस कितना परिपक्व मैच्योर है। ये क्यों पूछ रहा हूं बता रहा हूं, उसका भी कारण बता दूं। एक बार क्या हुआ, मैं एक कोई स्कूल में था, 9वीं 10वीं के लड़के लड़कियां थे, तो मैंने उनको यही बताया, लव दाय नेबर, पड़ोसी से प्यार करो। वो सब बोले हाँ, ये तो बड़ी अच्छी आइडिया है। अब मैंने कहा भाई ठीक है, मैं तो कुछ और कह रहा हूं और आप कुछ और समझ रहे, नो प्रॉब्लम, चलने दीजिए। ओके, अब अगर मैं एक अच्छा ईसाई हूं तो मैं अपने पड़ोसी के लिए अच्छी भावनाएं रखने के पहले ये सोचूंगा क्या कि वो ईसाई है कि नहीं? वो किसी भी धर्म का हो, मेरे लिए पूरा स्वागत के योग्य है। अब तीसरा पहचानना तो बड़ा आसान है, जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। कौन सा धर्म? इस्लाम। अब इसमें भी क्या कहा गया, इसमें ऐसा कहा गया क्या, अगर तुम मुसलमान हो, तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है, तो उसका ख्याल रखो, नहीं तो उसको भूखा मरने दो? गलत। इस्लाम भी कहता है कि ये जब आप अब दूसरे व्यक्तियों से संबंध रखते हो तो मानवता का संबंध रखना सबसे महत्वपूर्ण है। ये मैं तीनों धर्मों के बारे में कह रहा हूं, ह्यूमैनिज्म, मानवता, ये धर्मों का सबसे बड़ा मूल है। दुनिया में अलग अलग धर्म अलग अलग वक्त समय पर आए। थोड़ा भारत की बात करें तो भारत में पहले आर्य लोग आए। हम लोग बहुत बात करते हैं कि ये राजा आया, वो राजा आया, सबसे पहले तो आर्य आए, यहां के आदिम निवासी थे, आर्य आए, मेलजोल, वैदिक सभ्यता का निर्माण, और उसी में से हमारे वेद, उपनिषद, बाक पुराण सब निकले, और उन्हीं में से मूल्य निकला वसुधैव कुटुंबकम। इसके बाद उसी दौरान जब कृषि व्यवस्था का उगम होता है तो आते हैं एक बड़े महात्मा जिनका नाम है महात्मा गौतम बुद्ध। भगवान महावीर, महात्मा गौतम बुद्ध, दोनों ने अहिंसा की बात की, दोनों ने मानवता के मूल्यों के साथ साथ, महात्मा गौतम बुद्ध ने खास तौर से कहा, आप देखिए कि समाज में कोई भूखा तो नहीं है, कोई अशिक्षित तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। उनकी वो छोटी सी कहानी हम जो बचपन में पढ़ते हैं, वो इस दुनिया की समस्याओं को दुनिया के आधार पर सुलझाने की बात हमें सिखाते हैं। खैर, जब भारत में चलता रहता है तो उधर वेस्ट एशिया में ईसा मसीह मानवता का संदेश देते हैं, गुलामी प्रथा के खिलाफ बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ बात करते हैं। फिर मोहम्मद पैगंबर साहब आते हैं, वो सऊदी अरेबिया में तो आते हैं पर संदेश पूरी मानवता के लिए देते हैं, और कहते हैं कि ये जो आपस में आप कबीले कबीले लड़ रहे हो, कह रहे हो मेरा भगवान बड़ा है तेरे भगवान से, आजा लड़ लेते हैं, ये गलत है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान केवल एक है और उसी से उन्होंने अल्लाह की कल्पना लिखी। अब ये धर्मों की बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर एक धर्म ने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण मूल्यों को सामने रखने का काम किया है। आज दुर्भाग्यवश हमको सोचना पड़ रहा है कि कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म खराब है, धर्म में क्या समस्या है। धर्म में समस्या नहीं है, क्योंकि धर्म मानव मूल्यों का, नैतिकता का दूसरा नाम है, वही असली धर्म है। और ये असली धर्म भारत में, अगर आप आगे देखें तो भारत में आगे दो बड़ी परंपराएं आती हैं जो इंसान को इंसान से जोड़ने की बात कर रही है। गुजरात में हूं, जैसे मौलाना साहब ने कहा, उनका गुजरात से बहुत संबंध है, मेरा भी गुजरात से बहुत संबंध है। मोटे तौर पर सारांश में कह दूं तो मैं गुजरात का दामाद हूं, बाकी आप समझ लीजिए। इसी गुजरात में नरसी मेहता नाम के एक महान संत हो गए हैं जो भारत की संत परंपरा से जुड़े हैं, और भारत की संत परंपरा में कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसी मेहता, ये सब लोगों ने इंसान को इंसान से जोड़ने का काम किया। पूछना चाहता हूं विद्यार्थी मित्रों से, जवाब दीजिए, संत कबीर को मानने वाले हिंदू थे, मुसलमान थे, या दोनों थे? दोनों थे।
और दोनों इसलिए थे कि संत कबीर ने धर्म को मानवता के रूप में देखा और धर्म को समझने के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया उन्होंने, ये थोड़ा हिंदी का एक दोहा है, थोड़ा कठिन होगा, अनुवाद करना मुश्किल नहीं है। संत कबीर कहते हैं धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी चीज है, बड़े बड़े महान दार्शनिक महान लेखक उस पे काम करते रहते हैं। संत कबीर ये समस्या दो लाइन में हमारे सामने हल कर देते हैं। क्या कहते हैं संत कबीर, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और ये धर्म की जो परिभाषा है उसी को परिभाषा को लेकर आगे के समय में महात्मा गांधी भी आते हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी मुख्य तौर से इसी प्रकार के लेकर चलते हैं। अब ये युग कौन सा था, एक विद्यार्थी के रूप में सोचिए, आज आपके हाथ में मोबाइल है, रूम में टेबल पे कंप्यूटर है, आप मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं। ये जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, समाज में भी हम आज के बातों को पुराने इतिहास में इस प्रकार से नहीं डाल सकते। पहले मनुष्य में शिकारी अवस्था थी, आपको याद होगा, आर्य लोग जब आए, आर्य लोग पशुपालक थे, किसी प्रकार की राज्य व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। और खास तौर से जब सेटल्ड एग्रीकल्चर आता है तब राजा शाही बादशाहतें किंगडम्स आती हैं, इसको आप कंफ्यूज मत कीजिए, और नेशन स्टेट की कल्पना जो आती है वो पिछले 400 साल से आती है। खैर, भारत के नेशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा, उसके पहले ये बता दूं कि जहां एक तरफ सूफी संत भक्ति संत मानवता की बात करते हैं, उस दूसरी तरफ राजा लोग धर्म के आवरण में अपने राज्य का विस्तार भी करना चाहते हैं। और ये राजा लोग केवल एक धर्म के नहीं होते, क्रिश्चियन राजा अपने राज्य का विकास करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता है, वो शब्द है क्रूसेड। क्रूसेड क्या मतलब है, एक राजा है उसको दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करना है तो आक्रमण का वो नाम देता है क्रूसेड। मुस्लिम राजा क्या करेगा, उसको भी तो करना है, मुस्लिम राजा शब्द इस्तेमाल करता है जिहाद। और तीसरा फिर हिंदू पीछे क्यों रहेगा, हिंदू राजा कहेगा मेरे लिए भी ठीक है, और वो एक तीसरा शब्द इस्तेमाल करता है, वो है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध, अब इसका जो मतलब समाज में लाया गया कि एक धर्म का राजा दूसरे धर्म दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करता है और उसको वो धर्म से जोड़ देता है, यहीं से मेरे ख्याल से धर्म के बारे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। धर्म मानवता से है जुड़ा हुआ या राजकीय सत्ता से जुड़ा हुआ है, ये सवाल मैं आज नवयुवकों के सामने और दोस्तों के सामने रख रहा हूं। धर्म को नैतिक मूल्यों के रूप में हम देखेंगे तो जो इन राजाओं ने किया उसका सैंक्शन देने के लिए, उसकी स्वीकृति देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी अवस्था में आता हूं, भारत में आज लगता है हर जगह हिंदू मुसलमान के रूप में, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में एक प्रकार से नफरत की दीवार दिखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां इस्लाम, जैसे स्वामी जी ने कहा, सबसे पहले इस्लाम मुसलमान राजाओं के माध्यम से नहीं आया, वो आया यहां अरब व्यापारियों के माध्यम से। आजकल तो खैर मस्जिदें तोड़ने बनाने की बात की जा रही है, पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत की पहली मस्जिद बनाई गई किसी मुसलमान राजा ने नहीं बनाई, वो केरल के हिंदू राजा ने अरब के मुसलमान व्यापारियों के लिए बनाई। खैर, अब ये बात हो गई, तो हिंदू मुसलमान रहते कैसे थे आपस में, क्या एक पार्टीशन था, हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ, दोनों एक दूसरे को ललकारते रहते थे, आजा लड़ लेंगे देखेंगे जो जीतेगा उसका धर्म बड़ा। ये बात बिल्कुल गलत है, पर हमारे दिमाग में भर गई है। आपने एक सीरियल देखा होगा अभी, वो भारत का महान पुत्र कौन सा है, राणा प्रताप, ठीक है। अब राणा प्रताप के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई, ये लड़ाई हुई हल्दी घाटी के मैदान में। अब इस तरफ अकबर की फौज है, इस तरफ राणा प्रताप की फौज है। अब मैं देखता हूं कि अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं आए, अकबर के बदले जो आए हैं उनका नाम है राजा मान सिंह, और राजा मान सिंह के जो असिस्टेंट है सहायक है उनका नाम है शहजादा सलीम। नौजवान लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, कुछ नौजवानी की बात की जाए, शहजादा सलीम पे आपने कोई फिल्म देखी है,
मुगले आजम, और उसका प्यारा सा गाना आपको याद होगा, वेरी गुड, आपकी उम्र के लिए बहुत सुटेबल है, याद रखिएगा। ओके, तो इस तरफ राजा मानसिंह और शहजादा सलीम, और राणा प्रताप का जो साथ दे रहे हैं उनका नाम है हकीम खान सूर। बताइए, दोनों तरफ मुसलमान, दोनों तरफ हिंदू, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई सत्ता के लिए है या धर्म के लिए है? ये लड़ाई सत्ता के लिए है या धर्म के लिए है? ये लड़ाई सत्ता के लिए है, उसको हम मान के चलते हैं। मुसलमान बोलेगा अरे मेरा अकबर बड़ा महान, हिंदू कहेगा मेरा राणा प्रताप बड़ा महान। अरे राजाशाही पे आप वापस क्यों जाना चाहते हो? राजाशाही एक अलग प्रकार का सिस्टम था, इट वॉज ए सिस्टम ऑफ सोशल एक्सप्लॉयटेशन। आपको एक सवाल पूछता हूं, फिर से सवाल पूछने का बड़ा मेरा मूड आया। अब आप लोग ड्रॉइंग पढ़ते हैं, हम लोग सब ड्रॉइंग पढ़ते हैं, मैं आपको एक लाइन ड्रॉइंग की एग्जाम दे रहा हूं, बहुत सरल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि आप लाइन से चित्र बनाइए राजा के पेट का, आप लाइन से चित्र बनाइए किसान के पेट का, तो राजा का पेट बाहर रहेगा कि अंदर? बाहर रहेगा। किसान का पेट, अन्न का उत्पादन कौन करता है? किसान। और पेट किसका भरा हुआ है? राजा का। तो इसलिए जब भी आप राजाशाही का गुणगान करें, थोड़ा सोच लीजिएगा मैं कौन से सिस्टम का गुणगान कर रहा हूं और मुझे कौन सा सिस्टम चाहिए, ये सोच लिया कीजिए। खैर, अपने महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र में तो आपको पता होगा हमारे एक राजा बहुत पॉपुलर है, क्या नाम है उनका? वेरी गुड, हमारे एयरपोर्ट का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम शिवाजी, हमारे बड़े पार्क का नाम शिवाजी रेलवे स्टेशन, और यहां तक तो आपको बता दूं हमारा जो वड़ा पाव है ना, उसको भी हम शिव वड़ा पाव बोलते हैं, बड़ा मजा आता है। एनीवे, अब शिवाजी महाराज की एक घटना आपको बताना चाहता हूं। शिवाजी महाराज एक बार अफजल खान से मिलने जा रहे थे। अब यही सवाल फिर से आ जाता है, हमको लगता है हमारे शिवाजी महान हिंदू, अफजल खान खतरनाक मुसलमान। पर मजे की बात यह है कि शिवाजी के साथ जो उनके अंगरक्षक बॉडीगार्ड थे उनका नाम था रुस्तमे जमान। रुस्तमे जमान, सर आपसे पूछ लूं, शिवाजी के 18 बॉडीगार्ड में से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी के प्रधान सचिव का नाम था मौलाना हैदर अली। खैर, शिवाजी को उसका जासूस रुस्तमे जमान बोलता है, महाराज अब अफजल खान को मिलने जा रहे हैं, खाली हाथ मत जाइए, डोंट गो विदाउट एनी आर्मामेंट, ये गुप्त हथियार आप पहचान लेंगे, गुप्त हथियार बागनक आपके साथ ले जाइए। और वो जब शिवाजी अपनी अंगूठियों के नीचे बागनक को छुपा लेते हैं, जैसे ही अफजल खान के तंबू में पहुंचते हैं, अफजल खान जोर से चिल्लाता है शिवा शिवा, और उनका गला पकड़ने की कोशिश करता है। शिवाजी महाराज तैयार रहते हैं, अपना बागनक निकाल के अफजल खान के पेट में डाल देते हैं। अफजल खान मरने लगता है तो अफजल खान की तरफ से अफजल खान का सचिव आता है, तलवार निकाल कर शिवाजी को मारने की कोशिश करता है। अफजल खान के इस सचिव का नाम भी बड़ा रोचक है, और उसका नाम है कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। फिर से मेरा सवाल आ गया, यह हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। यह धर्म की लड़ाई है या सत्ता के लिए लड़ाई है? सत्ता के लिए। अब उसी में जब हम देखते हैं तो भारत की मिलीजुली परंपरा, यहां के वो रस खान, बाकी सब कवि, अब कवि हिंदू कवि इस्लाम पे कविताएं लिख रहे हैं, मुसलमान कवि हिंदू देवी देवताओं पे कविता लिख रहे हैं। आपको याद होगा हमारी एक बहुत अच्छी फिल्म अभी बनी थी आमिर खान की, और उसका नाम था लगान। लगान में एक आरती भी आपको याद होगी, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। जरा बताइए इनके लेखक का नाम क्या है? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर। दो और प्यारी बातें आपको बता के मैं आज आजादी के आंदोलन पे जाना चाहूंगा। एक तो अभी वो आपकी जनरेशन की एक नई एक्टर है, उसका नाम क्या है, वो श्रुति हासन। श्रुति हासन, अब ये नाम कैसा है भाई? श्रुति नाम तो हिंदू लगता है, हासन नाम कहां से आया? तो एक बार चेन्नई में मैं था, चेन्नई में मैं बातचीत कर रहा था, तो मेरी मुलाकात चारुल हासन जी से हुई, जो कमल हासन के बड़े भाई है। तो चारुल जी से मैंने पूछा, ये आपका नाम तो बड़ा अजीब है, एक तरफ हिंदू लगता है एक तरफ मुसलमान लगता है, ये गड़बड़ क्या है? तो उन्होंने कहा, भाई देखिए हम लोग हिंदू हैं पर हम लोग एक मुसलमान पीर को मानते हैं जिनका नाम है हासन, और उन हासन के नाम पे हम अपना नाम हासन रखते हैं। ये है भारत की मेल जोल की परंपरा, जहां हिंदू मुसलमान प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहे। अभी एक और शहर की बात बता दूं, वाराणसी, काशी, बनारस, वाराणसी, तीन नाम है उसके। इस काशी शहर
में हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा बहती है उसके किनारे, गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक महान संगीतकार ने अपने शहनाई बजाने की कला को विकसित किया और ये कला उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को समर्पित करके की। ही डेडिकेटेड हिज म्यूजिक टू हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस और उस शहनाई वादक का नाम है उस्ताद बिस्मिल्ला खान। अब वो इंडियन है, हिंदू है, मुसलमान है कि इंडियन है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूं। खैर, ये मिलीजुली परंपरा अंग्रेजों का आना और अंग्रेजों के आने के बाद 1857 का विद्रोह, क्रांति, बगावत, फिर से आमिर खान की फिल्म आ गई, कौन सी, मंगल पांडे। 1857 की लड़ाई की चिंगारी मंगल पांडे ने लगाई और उस लड़ाई का विद्रोह नेतृत्व किसने किया, इस लड़ाई का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर के साथियों के नाम थे तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा और झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर आपस में लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने सोचा अगर हमको यहां राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा, फूट डालो और राज करो। उसके लिए उन्होंने ऐसा इतिहास लगा लिखाया कि हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए नफरत और वहां से राजनीति, एक प्रकार की राजनीति उभरी जिसने धर्म को अपने आवरण के रूप में एज इट्स लेबल स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड। जहां तक भारत की आजादी का सवाल है, भारत की आजादी में मेरे पहले भी वक्ताओं ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आदर से लिया है और उसी को लेकर मैं आगे पूछना चाहूंगा आपको, बताइए महात्मा गांधी के साथ आजादी के आंदोलन में शामिल होने वाले क्या केवल एक धर्म के लोग थे या सभी धर्मों के लोग थे? सभी धर्मों के लोग थे। और उन्होंने कौन से राष्ट्र की कल्पना की, धर्म के नाम की राष्ट्र कल्पना की या एक धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र की बात की? मेरे एक दोस्त बहुत परेशान है सेक्युलरिज्म की परिभाषा से, उनको बता दूं सेक्युलरिज्म औद्योगिक क्रांति के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ आता है। भारत में लोकतंत्र 1947 से आया, 1921 में टर्की में, टर्की कौन से धर्म वाले ज्यादा है वहां भाई साहब, कौन से धर्म वाले हैं, मुसलमान, टर्की में वहां लोकतांत्रिक क्रांति हुई और पूरा पूरा सेक्युलरिज्म टर्की में, भारत से पहले टर्की में लाया गया। आपको याद दिला दूं इतिहास की कुछ बातें, 1953 में ईरान में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, हम कहते हैं ये मुसलमानों को लोकतंत्र से क्या लेना देना, याद रखिए लोकतंत्र आना चाहता है पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो लोकतंत्र को आने नहीं देना चाहती, याद रख आप आ रहा हूं 1953 ईरान, मोस्सादेक नाम का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर आया। मोस्सादेक ने कहा तेल हमारा है, ईरान का है और इसमें जो कंपनियां बैठी हैं वो अमेरिकन है, ब्रिटिश है, तो उसने उस तेल की कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया। प्लीज जरा गौर से सुनिएगा, नेशनलाइज कर दिया, उसने कहा तेल की कंपनियों का प्रॉफिट मेरे देश के लोगों के लिए होना चाहिए, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए नहीं होना चाहिए। उसने सही सोचा या गलत, सही सोचा। अब जैसे ये हुआ तेल की कंपनियों की हालत खराब हो गई, अमेरिका ने वहां बगावत कराई, कू डिटैट मोसद्देक को खत्म कर दिया और एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत हुई कि वहां मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट वाले लोग बाद में पावर में आ गए। याद रखिए वेस्ट एशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उस पार का एरिया, उसमें तीन चीजें आपको दिखेंगी। ये तीन चीजें क्या है, एक इस्लाम को मानने वाले ज्यादा लोग, नंबर वन, नंबर दो वहां आतंकवाद और नंबर तीन वहां तेल के कुएं। तो आतंकवाद को मैं पकड़ता हूं, आतंकवाद का संबंध कुरान से है, मुसलमानों से है या तेल के कुओं से है, यह संबंध आपको सोचना पड़ेगा बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस क्वेश्चन ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। आज जो दुनिया में एक धर्म को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है वो धर्म के कारण नहीं है, दुनिया की एक ताकत तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए। अगर आपको थोड़ा भी इतिहास पढ़ाया याद होगा, कभी अफगानिस्तान पे हमला, कभी इराक पे हमला और फिर वो जो ओसामा बिन लादेन था, अलकायदा वगैरह वगैरह वगैरह, अलकायदा को बनाने के लिए हमारे अंकल सैम, आप पहचानते होंगे ना, आई हैव नो हेट्रेड फॉर एनीबडी, अंकल सैम ने 8,000 मिलियन डॉलर
7000 टन हथियार उन्होंने ओसामा बिन लादेन को दिए। अंदर से चोर चोर मौसेरे भाई, इसका इस्लाम से क्या लेना देना मुझे कभी नहीं समझा। खैर, कोई कहते हैं कि केवल धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र तो केवल हिंदुओं के देश में ही हो सकता है। मैं धर्मों के परे जाके कहना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता डेमोक्रेसी कैन कम ओनली विद द डेमोक्रेटिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेपाल में अभी तक एक हिंदू राष्ट्र था, वहां लोकतंत्र आने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में फॉर्मली सेक्युलरिज्म प्लूरलिज्म नहीं है, पर वहां सभी धर्मों के लोग दक्षिण एशिया से ज्यादा आजादी के साथ उन देशों में जिंदा रहते हैं, खैर अपने अधिकारों के साथ रहते हैं। अब सवाल यह है कि हमारा कंफ्यूजन इतना गहरा हो गया है कि अगर कोई मैं बात करूं इस्लाम के सपोर्ट में तो कहेंगे आप तो भाई हिंदुओं के विरोध में हैं। मैं बात करना चाहता हूं आजादी के आंदोलन में, आप पहचानिए, एक तरफ मैं देखता हूं महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी के साथ मैं देखता हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह, यानी सभी धर्म के लोग महात्मा गांधी के साथ आए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार का आंदोलन छेड़ा 1920, 1930, 1942, इन सब में आया। और दूसरी तरफ इस्लाम के नाम के राष्ट्रवाद की बात आई यहाँ के पुराने नवाबों से, हिंदू के नाम के राष्ट्रवाद की बात आई यहाँ के पुराने राजाओं से। ये बात थोड़ा गहराई बात है, मैं माफी चाहता हूं अपनी किताब के बारे में बता रहा हूं। एक मैं किताब लाया हूं उसमें मैंने डिटेल में ये चीजों को बताने की कोशिश की है कि धर्म को एक मानवता के रूप में देखने के बदले धर्म को राजनीति से जोड़कर लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। सवाल पूछूंगा आपसे फिर से, बताइए दुनिया, जब हम मुस्लिम देश की बात आती है तो एक ही देश हमारे सामने दिखता है, सऊदी अरेबिया। आपको पता है सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन आपके बड़ौदा के जितनी भी नहीं होगी, इफ यू नो दैट, आपका बड़ौदा शहर की पॉपुलेशन सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन से ज्यादा होगी ऐसा मेरा अंदाज है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? इंडोनेशिया। एक बार मैं जाने का मौका मिला वहां, कुछ जैसे मौलाना आदरणीय मौलाना जी से यहां मुलाकात हो गई, वहां एक मौलाना से मुलाकात हुई। उन मौलाना जी को मैं उनका नाम आपको बताना चाहता हूं, जरा सोचिएगा, उनका नाम था मौलाना विष्णु। हेलो, मौलाना विष्णु उनका नाम है। इंडोनेशिया में मजे से रहते हैं, अपनी जो भी उनकी कुरान की आयतें और उसके आधार पे पूरे देश में करते हैं। खैर, तो भारत में दो प्रकार की राजनीति आज भी चल रही है, एक कुछ लोग अपने धर्म के प्रतीकों के आधार पर दूसरे धर्म के लोगों पर छींटाकशी करके अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। और आजादी के आंदोलन में अगर आप देखें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बुद्ध यहूदी सभी लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन में पूरी तौर से हिस्सा लिया। किन लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया? केवल उन लोगों ने जो धर्म के नाम के राष्ट्रवाद को मानते थे। तो ये दो प्रकार का फर्क समझिए। तो ये मेरा मुख्य निवेदन यह है कि धर्म की गहराइयों को, धर्म की मानवता को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इट्स ए बिग चैलेंज दैट वी अंडरस्टैंड द ह्यूमैनिज्म इनहेरेंट इन डिफरेंट रिलीजन्स, एंड इट्स ए बिगर चैलेंज टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिक्स इज बीइंग डन इन द नेम ऑफ रिलीजन। द डे वी अंडरस्टैंड रिलीजन इज रिलीजन, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, आई थिंक हाफ आवर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, बिकॉज देन वी विल स्टॉप सपोर्टिंग those political formations who are talking about nationalism in the name of religion. Unfortunately, in whole of South Asia, Pakistan, Burma, Bangladesh, India, Ceylon, आज ये धर्म के नाम की राजनीति बहुत तेजी से चल रही है। तो मेरी अपील अंत में, क्योंकि मुझे नोट आ गया है एक मिनट का, 30 सेकंड ले चुका हूं, अंतिम 30 सेकंड में एक छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा, और वो कविता है जावेद अख्तर साहब की, माय फेवरेट पोएट। जावेद अख्तर साहब लिखते हैं एक जगह, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो, हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार रहे, हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे, हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद राम सेतु को याद करो।